यूज किया है जो मैं क्लास नोट में लिखाता हूँ? हाँ सर, सर वहीं के सारे क्वेश्चन है जो आपने करा है। इसीलिए यही कह रहा हूँ, तो बुकलेट के सारे क्वेश्चन मैं क्लास में करा चुका हूँ। हाँ सर, सारे के सारे एग्जांपल के साथ, सारे के सारे, एक भी क्वेश्चन बुकलेट में ऐसा नहीं है जो मैंने क्लास में बिना बताए हुए, ये नहीं बताया हूं मैं कि ये बुकलेट का है, बट करा चुका हूँ। समझे मेरी बात? इसीलिए मैंने पूछा कि बुकलेट खोले हो क्या? सर पता ही नहीं चला। हाँ नहीं पता चला, इसी के लिए कह रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्या। बुकलेट में जितने चिंदी सम है इजी सम है आपने अगर किसी ने करके देखा होगा तो, इसीलिए मैं नहीं बोला, मैंने कहा देखो पहले करा दे। सर वो एक्सरसाइज 3 और 4 करना है वो। हाँ वो तो काइनेमेटिक्स एप्लीकेशन है बेटा इसके लिए, वो तो अभी आएगा। समझे मेरी बात सर? तो एक बार sir. अगर कोई बुकलेट ऑन बुकलेट लेके बैठता है करने के लिए तो साथ में नोटबुक लेके देखिए, नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन इज अनटेस्ट। ठीक है? यस सर। तो आप लेक्चर में देखते होंगे पढ़ाते वक्त मैं हर टॉपिक के बाद कुछ डिफिकल्ट वाले कराता था और लास्ट के 45 मिनट में बोलता था चलो कुछ इजी कर लेते हैं, वो सारे सम बुकलेट के थे। ठीक है? हाँ सर। चलो आगे बढ़ते हैं। सो काइनेमेटिक्स 2 में हम लोग अभी करेंगे एप्लीकेशन ऑफ काइनेमेटिक्स इन कैलकुलस से स्टार्ट करते हैं। आपको धीरे धीरे अब काइनेमेटिक्स का नया रूप देखने को मिलेगा। इसमें भी मेडिकल वाले बच्चे हैं क्या? हाँ सर। ठीक है ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस, एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस इन काइनेमेटिक्स। सर एक चीज पूछना। बोलिए। आपने फ्राइडे को फ्रिक्शन और यूसीएम करवाया था ना आई नॉट पॉइंट में? हाँ हाँ हाँ। तो उसका सर आपने बोला था कि आप वो नोट्स भेज दोगे इसका, ये वन नोट का, तो आपने भेजा नहीं था। ओ अच्छा, वन नोट में जो स्क्रिबलिंग की थी भेज दूंगा, उसमें क्या भेज दूंगा। हाँ सर। और आप लोगों के ग्रुप में आपकी जो पद्मा मैडम है ना जो पढ़ाती है फिजिक्स? हाँ सर। पद्मा राजेश नाम है शायद उनका ना? हाँ सर। हाँ कल मेरी उनसे बात हुई और बातचीत होने के बाद जो सिलेबस मैंने देखा होगा आपके ग्रुप में अपडेट किया है ना? हाँ सर अपडेट किया। हाँ वही आपके टेस्ट का सिलेबस है, उसी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है सर। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी टेस्ट में नहीं है। हाँ ठीक है सर। ठीक है सर। हम लोग का टेस्ट 9 से शुरू है स्कूल का। किस स्कूल का बेटा? एएसपी स्कूल सर। एएसपी का? हाँ। तो उसमें सर अप टू वर्क पावर एनर्जी आ रहा है? नहीं नहीं मैं अभी नॉर्थ, ये बच्चा जो पूछ रहा है ना ये नॉर्थ पॉइंट की बात पूछ रहा है, एएसपी का हम देखेंगे। ओके सर। ठीक है, एएसपी की बात बाद में करते हैं, अभी नॉर्थ पॉइंट की वो बात करते हैं। चलिए एनीवे, चलिए जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी हम लोग पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ते थे ना? हाँ सर। और मैंने बताया था वो एक एवरेज वेलोसिटी है। हाँ सर। तो डीटी टाइम में डीएस डिस्प्लेसमेंट हुआ तो v इज इक्वल टू डीएस बाई डीटी लिख सकते हैं। हाँ सर। यस सर। इसी तरह एक्सीलरेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म में फॉर्मूला क्या होगा? एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है ना?
तो एक्सेलरेशन को डीवी बाई डी टी लिखेंगे। v जैसे ds by dt होता है तो हम एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं d by dt of ds by dt। yes so this is in symbolic term d2s by dt square। clear? yes sir। third, अगर मेरा एक्सेलरेशन डीवी बाई डी टी है तो हम इसको डीवी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी लिख सकते हैं चेन रूल से। बताओ बेटा सोच के। यस सर। हाँ सर। और डी एस बाई डी टी तो वी होता है। हाँ सर। यस तो एक्सेलरेशन का दूसरा इक्वेशन मिल गया a इज v dv बाई डी एस। सो इन टोटल मैं बोलूंगा तीन डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास हैं। एक ये जो आपको ध्यान रखना है, दूसरा v इज डी एस बाई डी टी जो आपको ध्यान रखना है, तीसरा A is dv by dt, ये सब बेसिक डेफिनेशन है, रखने का इसमें कुछ भी नहीं है, और चौथा कि A is d2s by dt square। ये चारों कॉमन सेंस के इक्वेशन है डेफिनेशन पे बेस्ड। yes, sir। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा शायद, नहीं है ना? नहीं सर। नो सर। एक और बार बोलो ना। क्या बताओ? एक और बार थोड़ा बता दो ना। क्या बता दो? बोलो कौन सा, पहला से शुरू से? नहीं सर, एक्सेलरेशन का वो नीचे से। नीचे वाला सबसे? हाँ सर। तो एक्सेलरेशन dv by dt होता है, हाँ या ना? यस सर। तो dv by dt को हम लोग चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़े हैं, तो उसके हिसाब से dv by ds into ds by dt भी लिख सकते हैं। यस सर। और ये जो ds by dt है आपका, ओके सर, समझ गया। समझ गया। ds by dt is nothing but v only ना? हाँ सर, समझ गया। Thank you। This term is nothing but v only। Yes sir, समझ गया। This equation can be written as v multiplied by dv by ds। हाँ सर। ठीक है, very good। आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा हम लोग motion with constant acceleration पढ़ चुके हैं kinematics 1 में। हाँ सर। यस। मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन में हम लोगों के पास तीन काइनेमेटिक इक्वेशन थे। हाँ सर। v इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों था ना? हाँ सर। यस। ये तीनों को मैंने कभी प्रूफ नहीं बताया था, बोला था आप स्कूल में पढ़ चुके हो, याद होगा तो। हाँ सर। बट एक बार याद करो, स्कूल में इसका प्रूफ पढ़ा था क्या? नहीं सर। हाँ सर, ये हमें तो नहीं पढ़ा था सर। अच्छा, किसने थोड़ा बहुत पढ़ा था सर? पैरेललोग्राम बना के करते हैं ग्राफ में सर, ट्रेपीजियम। अच्छा, वो वैसे बना के? हाँ, ट्रेपीजियम। हाँ सर। अच्छा, तो वैसे बना के करने में आप देखेंगे, आपको नहीं लगता है कि वो मतलब इक्वेशन नहीं, फर्जी मेथड है, जिसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है, ऐसे करके बताया गया होगा? हाँ सर। आज मैं आपको इसका प्रूफ बताता हूँ सारे इक्वेशन का, देखिएगा ध्यान से सब लोग, लिखिएगा बिल्कुल मत, मैं जब बोलूंगा तब लिखिएगा। वेलोसिटी के डेफिनेशन से वी इज, एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से a इज dv by dt। हाँ सर। यहाँ पर मेरा कंडीशन क्या है? तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन कंडीशन है, a की वैल्यू कांस्टेंट है ना? यस।
तो मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं dv इज इक्वल टू ए डी टी। यस, इसको दोनों ओर अगर इंटीग्रेट कर दें so integrating both sides with proper limits। तो देखिए तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा dv इज इक्वल टू ए बाहर कॉन्स्टेंट है डी टी दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे टी इज इक्वल टू जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी यू टी इज इक्वल टू एनी टाइम टी पर वेलोसिटी वी ऐसा कर सकते हैं। हाँ सर। यस सर। डी वी का इंटीग्रेशन क्या होगा वी स्क्वायर बाय टू। वी केवल वी स्क्वायर कहाँ से आया बेटा। लोअर लिमिट यू अपर लिमिट वी ए डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी का डी टी लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट टी डेफिनेट इंटीग्रेशन मालूम है पढ़ चुके हैं। यस हाँ सर। तो इस एक्सप्रेशन को मैं क्या लिखूंगा वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी ऐसा लिखूंगा। यस सर। तो यहाँ से आपको मिल गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यस सर। यस सर। कोई डाउट? यस सर। नो सर। नो सर। तो ये हो गया आपका एक इक्वेशन। अच्छा एक चीज यहीं से बोलता चलता हूँ आगे अभी तो पढ़ेंगे भी यही अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता यही अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो इस टर्म में ये ए एक्स इंटीग्रेशन के बाहर नहीं आता। नो सर। ए टाइम का फंक्शन था इंटीग्रेट करके जो आता वो आता। यस सर। हाँ सर। तो इस कैलकुलस वाले मेथड से जो अभी तक मेथड पढ़ रहे थे उससे तो हम केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला ही सॉल्व कर सकते हैं। Yes. लेकिन इस मेथड से अगर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है तो भी सॉल्व होता है जो भी इक्वेशन आता डिपेंड करता है एक्सेलरेशन टाइम का कैसा फंक्शन दिया है। क्लियर? क्वेश्चन कराऊंगा जस्ट मैं एक आपको एक थॉट दिया कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता तो ये रिजल्ट नहीं आता ना ये ए भी टाइम का फंक्शन अंदर होता फिर कुछ और आता है ना। जो कि अगले तीन चार लेक्चर में यही सब चलता रहेगा देखेंगे बट जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। ठीक है आगे बढ़े। यस सर। नोट बाद में कर ले। हाँ मैं नोट करने को टाइम दूंगा अभी थोड़ा सा समझिए एक बार फील आ जाएगा आपको बहुत मजा आएगा आज के बाद काइनेमेटिक्स में। ओके सर। अब मुझे तो एक्सप्रेशन मिल चुका है v इक्वल टू यू प्लस ए टी तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है। v का डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं ds बाय dt। टी तो ds बाय dt इज u प्लस ए टी तो मैं यहां लिख सकता हूं ds इज इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी आया ना। यस सर। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा सर। इसको अगर हम लोग दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो इंटीग्रल ds इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जो भी होगा कॉन्स्टेंट ही होगा ना। यस सर। इनिशियल वेलोसिटी तो वेरिएबल हो नहीं सकता है एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर टी इज इक्वल टू जीरो से टी में हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो से एस हो गया। यस सर। हो गया
तो अब मैं नहीं लिखता हूँ, यहीं से आपको दिख रहा है कि दिस इज नथिंग बट एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पक्का? यस। तो ये वाला भी एक इक्वेशन जो आप हाफ किधर से आया? कौन है भाई? टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? हाँ सर समझा, हाफ टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बाई टू होगा ना, वही है। हाँ। अच्छा अगेन, अभी मैंने ऊपर आपको सिखाया था कि एक्सेलरेशन को हम या तो डीवी बाई डीटी लिख सकते हैं या चेन रूल से, एक बार फिर लिख देता हूं मैं, डीवी बाई डीएस इंटू डीएस बाई डीटी लिख सकते हैं, सिखाया था ऊपर। यस सर। यस सर। तो ए इज वी डीवी बाई डीएस ऐसा लिख सकते हैं। यस सर। तो यहां से मुझे मिल गया वी डीवी इज इक्वल टू ए डीएस, मिल गया। यस। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो ए कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर डीएस, इनिशियली इनिशियल वेलोसिटी वाज यू, एट डिस्प्लेसमेंट एस, फाइनल वेलोसिटी इज वी। तो इस बार लिख देता हूं ताकि डाउट ना करे, वी डीवी का इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाय टू होगा बेटा। यस सर। लोअर लिमिट यू, अपर लिमिट वी, this is equal to a ds का integration s, lower limit 0 upper limit s, है ऐसा? Yes sir. Yes. हाँ सर। तो यहाँ से आपको दिख रहा है v square minus u square upon 2 is a into s. Yes. Yes sir. तो यहाँ से दिख रहा है v square is equal to u square plus 2s. तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं मान लूं कि मुझे ये सारे काइनेमेटिक इक्वेशंस नहीं आते थे लेकिन मुझे कैलकुलस आता है, तो भी हम सारे क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही सकते हैं ना बेटा। हाँ सर। दूसरा एडवांटेज ये है कि इस मेथड से हम वो भी सॉल्व कर सकते हैं जिसमें कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो, किसी दूसरे वेरिएबल का फंक्शन दिया हुआ हो। कैसे सॉल्व करेंगे वो तो एग्जाम्पल में बताएंगे ही हम आपको, बट अभी मैं एक फील दे रहा हूँ कि why this calculus is required whenever you want to study kinematics in detail, isn't it? आया समझ में? Yes sir. अब इसको आप copy कर लीजिए जल्दी से। जहां जरूरत होगी बोलना, scroll down कर दूंगा, कोई नहीं, आराम से। ये साइड चलेगा ना? यस। यहाँ से कीजिए, जहां भी होगी मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगा।
सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए। कर देता हूँ। यहाँ तक चलेगा सर? ऊपर करो सर, थोड़ा ऊपर करो, ऊपर करो सर, ऊपर सर, और ऊपर सर, दो मिनट ऊपर। हाँ, दो मिनट रुक दीजिए सर। ठीक है, ठीक है। सर थोड़ा नीचे कीजिए। हो गया सर। सर वो क्या लिखा है उधर, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट्स। सर थोड़ा नीचे करो। सर थोड़ा नीचे करो ना। चल रहा हूँ, बताना कहाँ तक। बस
सर नीचे करो थोड़ा, आगे बैठो सर एक सेकंड। नहीं सर दो मिनट। हो गया आगे बढ़ूं। यस सर। ठीक है, तो ये जो बेसिक डेफिनेशन मैंने अभी बताया है आपको कि v is ds by dt, a is dv by dt, a is v dv by ds, ये सब तो बताया है आपको। इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन कीजिए और मैं 100% श्योर हूं कि सारे बच्चे कर लेंगे, जस्ट मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है। सर ये शायद मॉड्यूल्स है ना? क्या ये मॉड्यूल, ये बुकलेट्स है ना शायद से? नहीं नहीं ऐसा था है। होगा, बहुत सारा होगा, ये बुकलेट का नहीं है, मतलब मैंने बुकलेट से नहीं दिया है, हो सकता है बुकलेट में सेम क्वेश्चन हो बट आई डोंट थिंक सो। पटाख से कीजिए इसको।
आया कोच सर दो मिनट बताऊं देखिए सर दो मिनट सर दो मिनट ठीक है ठीक है इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा बेटा यस सर तो 10 का 0 2t का 2 और 3t स्क्वायर का 60 हाँ या ना यस सर तो ये जो बी में पूछा है एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन यही आंसर हो गया बी का Yes, sir. कोई डाउट बोलिए नो सर नो सर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन ऑफ टाइम टी इक्वल टू 1 सेकेंड मुझे ढूंढना है और दिया हुआ है टी इक्वल टू 0 सेकेंड पर 20 मीटर पर था यही पूछा है V को हम ds by dt लिख सकते हैं yes. तो ds by dt is 10 plus 2t plus 3t square. Clear? So ds is 10 dt plus 2t dt plus 3t square dt ऐसा होगा yes sir इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए t is equal to 0 पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ है 20 मीटर पर है ना yes sir t is equal to 1 सेकेंड पर पूछा है तो 1 पर मान लीजिए s है ठीक है yes, तो यहां आपको दिख रहा है कि s
ये होगा एस, अरे तो इसको हम ऐसा बोल सकते हैं एस माइनस 20 इज इक्वल टू 10। तुम लोग कर लो, मैं तो ऐसे ही कर देता हूँ। टी स्क्वायर बाय 2 तो 1 बाय 2 टू टू गया, केवल 1 बचेगा, समझे? यस सर। टी क्यूब बाय 3 थ्री थी गया, केवल 1 बचेगा। यस सर। तो ये हो गया 12, तो s इज इक्वल टू 32 मीटर हो गया। यस सर। अच्छा लेकिन बेटा ये क्या पूछा है? हाँ ठीक है, ये आंसर हो गया, आया समझ में? यस सर। बोलिए सोच के। आया सर। यस सर। आगे बढ़ू? यस सर। कॉपी करना है किसी को तो कर लीजिए। नित्य निरवाद्य निरवाधिका अतिशय। क्या बोल रहे हो? आई होप लिख लिया सबने, मैं आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिख रहा है? कोशिश कीजिए। एकदम सिंपल है, खुद से होना चाहिए। सर ये क्वेश्चंस मॉड्यूल से ले रहे हो क्या? कुछ आंसर बोल रहे हैं? नहीं सर, मैं बस ये पूछा था कि आप ये क्वेश्चंस मॉड्यूल से ले रहे हो क्या करते? नहीं बेटा, मॉड्यूल का नहीं है। ओके सर। मॉड्यूल का होगा तो बता दूंगा, चलो ठीक है। ओके सर। ये मॉड्यूल का नहीं है। देखिए इधर बताऊं? सर 2 मिनट्स। सर हो गया। क्या है आंसर? ई स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है सर। देखो v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है दिया हुआ क्वेश्चन में, है ना? v को हम dx by dt लिख सकते हैं। बोलिए हाँ या ना? सो dx अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dt, ऐसा दिख रहा है? यस सर। मुझे x और t में रिलेशन चाहिए, तो दोनों और इंटीग्रेट कर दीजिए। t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू 1 है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, और t इज इक्वल टू t पर x क्या होगा ये मुझे फाइंड आउट करना है। आया ना? यस सर। 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा?
माइनस वन बाई एक्स होगा। यस सर। यस सर। और इधर तो टी हो गया, तो ये मैं ऐसा लिखूं कि माइनस वन बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी। तो मैं यहां से लिखूंगा वन बाई एक्स इज वन माइनस टी, सो एक्स इज वन अपॉन वन माइनस टी। आंसर आया समझ में? सर हाँ सर, थर्ड स्टेप नहीं समझा क्या है बताओ। नहीं सर, वो x स्क्वायर को डिनोमिनेटर में क्यों लिया? तो dx इधर है, x स्क्वायर उधर है, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो x का टर्म dx के साथ होगा ना। अच्छा समझा सर, समझा। जब इंटीग्रेट करेंगे x का टर्म dx के साथ ही रखेंगे ना, नहीं तो कैसे इंटीग्रेट होगा? x t के साथ तो इंटीग्रेट नहीं हो सकता है ना। आगे बढ़ू? Yes sir। हो गया। थर्ड ये वाला क्वेश्चन कीजिए, और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, स्टार लगा दिया इस पर। कुछ से कोशिश कीजिए, कर लीजिएगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। और इसको दो पार्ट में कर देते हैं क्वेश्चन, मतलब और अच्छा बना देते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, इसको बोल दीजिए ए, और क्वेश्चन बी फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल from t is equal to 1 to t is equal to 3 seconds। तो a में तो distance पूछा है, ध्यान दीजिएगा, और b में displacement पूछा है। ठीक है, कोशिश करो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। टाइम लगाइए चलेगा, बट खुद से सॉल्व कीजिए, बहुत खुशी मिलेगी आपको। ठीक है, 5 मिनट का टाइम देता हूं। ठीक है, सब लोग अटेम्प्ट कीजिए।
सर ए 1 मीटर करके आ रहा है। बोलिए सर ए 1 मीटर करके आ रहा है सर, एक आंच गलत आ रहा है सर। पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में है। हाँ स्ट्रेट लाइन में। देखो इधर v दिया हुआ है और v क्या लिखा हुआ है, वेलोसिटी लिखा हुआ है, हाँ है ना? यस सर। सो ds by dt इज इक्वल टू 4 - 2t। तो हम ds को लिख सकते हैं 4 dt माइनस 2t dt। लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं सर। अब अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं दोनों साइड कहां से कहां तक, तो 1-3 सेकेंड में पूछा है, तो 1 से 3 सेकेंड में। तो इसमें जो भी मुझे मिलेगा वो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ऐसा होगा? हाँ सर। तो ये हो गया 8 - t का तो t स्क्वायर बाय 2 होगा ना। ऐसा होगा? बोलना बेटा। ये जीरो आया था। तो ये जीरो क्या है? ये जीरो डिस्प्लेसमेंट है। हाँ, ये मेरा बी का आंसर है। ठीक है। yes. अब डिस्प्लेसमेंट जीरो है और ऑब्जेक्ट चल भी रहा है, मतलब जरूर आगे जाके पीछे आया होगा, हाँ या ना? yes, sir. तो मुझे डिस्टेंस चाहिए। तो मेरे पास एक्सप्रेशन है v इज इक्वल टू 4 - 2t। ध्यान से अगर देखोगे तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 2 तक वेलोसिटी पॉजिटिव है। यस सर। और t इज इक्वल टू 2 से t इज इक्वल टू 3 तक
वेलोसिटी नेगेटिव है यस सर, तो मैं डिस्टेंस को कैलकुलेट अगर सीधे इंटीग्रेट करके करूंगा तब तो जीरो आ गया, मतलब मुझे वन से टू तक इंटीग्रेट करना है और जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो एक्स वन होगा, फिर टू टू थ्री तक करना है जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो नेगेटिव होगा यस सर, तो उसका मैग्नीट्यूड मुझे वो ऐड कर देना है, तो जो डिस्टेंस एस होगा वो वन से टू में होगा प्लस वन से टू में होगा जो डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा वन से टू में प्लस टू टू थ्री में जो होगा सर, टू टू थ्री और वन से टू में सेम ही होगा ना? हाँ हाँ, तभी तो जीरो आया है, सेम होगा, लेकिन वो तो पहले बी सॉल्व कर लिया इसलिए आ रहा है सेम होगा ना, पहले से कैसे पता कि सेम होगा? हाँ सर, मैंने पहले बी पार्ट सॉल्व कर लिया इसलिए पता चल रहा है ना, अभी सर सिर्फ हम इतना कह सकते हैं कि वन टू टी में वन टू टू में पॉजिटिव होगा और टू टू थ्री में नेगेटिव होगा, ऐसा मैं बोल रहा हूं, ठीक है? बोलना बेटा। हाँ सर, हाँ सर, इसका मतलब टू टू थ्री में जितना भी आएगा अगर मैं उसके मैग्नीट्यूड को इसमें ऐड कर दूं तो हमारा काम चल गया, डिस्टेंस हो गया। बोलो। हाँ सर, तो इसको क्या लिखेंगे, तो अभी जैसा ऊपर लिखा था इंटीग्रल ऑफ 4 dt माइनस इंटीग्रल ऑफ 2 t dt लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 1 से 2 1 से 2, ये एक टर्म हो गया, प्लस मॉड ऑफ इंटीग्रल ऑफ 4 dt फ्रॉम 2 to 3, मॉड तो पढ़ चुके होगे थोड़ा बहुत, मॉड तो थोड़ा बहुत पढ़ चुके होगे। होगा ऐसा, तो ये हो गया 4 into 2 minus 1 minus 2 square minus 1 square, ये बात समझ आई सर? उसी तरह ये हो जाएगा 4 into 3 minus 2 minus, वो 2 to 3 square by 2 चला जाएगा, तो 3 square minus 2 square, आया ना? यस सर। और ये जो कुछ भी होगा उसका मॉड? यस सर। तो देखो ये हो गया 4 minus 3, ये हो गया ना 2 minus 1 1, 4 into 1 1, 4 minus 1 3 हो गया, प्लस मॉड ऑफ 4 minus 3 square 9 2 square 4, तो 9 minus 4 5, ऐसा होगा, तो ये 1 plus 1 2 meter आंसर आया। यस सर, समझा सब लोगों ने? सर ये पार्ट आप समझा दो ना। कौन सा? यही वाला पार्ट सर। कौन सा भाई, पूछ रहा हूँ। स्टार्टिंग से, अरे t इक्वल टू 2 टू 3 सेकंड में वेलोसिटी नेगेटिव है सर, कैसे पता चला हमें वो? 4 माइनस 2 टी में t का वैल्यू 2 टू 3 के बीच कुछ रखोगे तो नेगेटिव ही आएगा ना? हाँ सर, हाँ सर। सर थर्ड स्टेप नहीं समझ आया सर। कौन सर? थर्ड, थर्ड क्या? थर्ड सर, हाँ सर, इंटीग्रेशन में वहां पे 2 स्क्वायर माइनस 1 करके दिया सर। नहीं सर, नहीं, समझा समझा, डन डन डन, समझा सर, समझा, गॉट इट, थैंक यू।
और बोलिए और कोई। आगे बढ़ूं? सर एक मिनट सर। हो गया सर। हो गया, चलिए। तो थोड़ा बहुत आइडिया लगा कि कैसे हम लोग अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, कुछ समझ आ रहा है? यस सर। अच्छा, इसी में जो कुछ डिफिकल्ट सम होते हैं, डिफिकल्ट तो नहीं बोलूंगा, मतलब थोड़े ठीक ठाक, उसी को अभी जो बता रहा हूँ बेटा, देखो ये कोई थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का ही तरीका है। और जो आप ऊपर अभी क्वेश्चन कर रहे थे उसी को मैं मतलब थ्योरी के फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, अदरवाइज ये कोई नया थ्योरी नहीं है, कॉमन सेंस ही है। क्लियर है? यस सर। तो जो आप पहले पढ़ चुके हो ना, इसी को जस्ट फॉर्मुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो जैसे मैंने कहा, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तब तो आपके पास काइनेमेटिक इक्वेशन है, आप यूज करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो कैलकुलस का यूज करते हैं और आप सॉल्व कर लेते हैं। अभी पीछे के दो तीन क्वेश्चन आपने करके देखा, ठीक है? ठीक है। यस सर। अब अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो क्या होगा? तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा तो हमारे क्वेश्चन में या तो एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन दिया होगा या एक्सेलरेशन पोजीशन का फंक्शन दिया होगा या एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन दिया होगा। यही तीन बात हो सकती है। हाँ या ना? हाँ सर। तो केस वन, व्हेन कोई थ्योरी नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं कोई फॉर्मूला थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका है। तो व्हेन एक्सेलरेशन ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इज given, ठीक है? ठीक है। तो मेरा acceleration function of x दिया हुआ है, तो acceleration को मैं v dv by dx लिखूंगा। तो v dv by dx as a function of x मिल गया। इसका मतलब है कि v dv is equal to
सम फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स ऐसा कुछ मिल जाएगा, मिलेगा। अब जब जस्ट एज ए थ्योरी बता रहा हूँ, डिपेंड करता है एफ एक्स की जगह क्या है उस पर। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे वेलोसिटी एज सम अनदर फंक्शन ऑफ एक्स कुछ ऐसा ही मिलेगा ना। बोलिए बेटा। यस सर। और वेलोसिटी को मैं dx by dt लिख सकता हूं, तो dx by dt as सम फंक्शन ऑफ x मिल गया। अब dx is equal to dx upon fx ऐसे कह दो, this is equal to dt। इसको अब अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, मतलब वैल्यू नहीं बता सकते, केवल एफएक्स लिखा हुआ है। हाँ ये तो क्या, एक्स एज सम फंक्शन ऑफ टाइम ऐसा मिलेगा, एक्स और टी में रिलेशन मिलेगा। ओ भाई साहब, इसको इंटीग्रेट करने के बाद एक्स और टी में रिलेशन मिलेगा, इधर एक्स है इधर टी है, तो एक्स और टी में ही मिलेगा ना। Yes, इसको इंटीग्रेट करने के बाद v और x में ही मिलेगा ना। यस सर। तो वही लिखा हूं, तो एक बार x टाइम का फंक्शन मिल गया। अब जो भी पूछे, पोजीशन टाइम का फंक्शन पूछे, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी टाइम का पूछे, एक्सीलरेशन टाइम का पूछे, वेलोसिटी पोजीशन का पूछे, जो भी पूछे निकाल सकते हैं। yes. तो ये कोई थ्योरी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का जस्ट तरीका है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद मैं एग्जैक्टली इस पर एक क्वेश्चन देता हूं जो आप सब लोग खुद कर लोगे। कॉपी कर लीजिए इसको, मैं फिर कह रहा हूं कोई फॉर्मूला नहीं है ये। सर मुझे आपने जो ब्लैक कलर में लिखा है सर, वो मुझे नहीं समझा क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हाँ सर, हाँ सर, उसमें कैसे फिर v into dv डिफरेंशिएशन ऑफ v, फिर जब t के लिए हमने किया था तब t स्क्वायर बाय 2 लिखा था, पर v के लिए हम लोग सुनो, तो v स्क्वायर बाय 2 ही होगा, मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं होगा। तो v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू समथिंग x का फंक्शन होगा ना, मतलब v और दोनों रूट ले लो तो v और x में ही रिलेशन आया ना, मैं ये कह रहा हूं। ये स्मॉल f है और ये कैपिटल, ये कोई दूसरा फंक्शन बन गया x का, मैं ये कह रहा हूं। अच्छा ओके, थैंक यू सर। v और x में ही रिलेशन आएगा। हो गया सर। हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कीजिए इस पे बेस्ड। कौन क्वेश्चन नंबर 4 होगा, कौन सा होगा? सर 4th ही होगा। आया कुछ किसी को? सर 7 सर 24 है। 7 आ रहा है। नहीं, मुझे क्या पूछा है? v when x is 5, मतलब मुझे v as a function of x चाहिए ना बेटा, यही मतलब हुआ ना? हाँ सर, यस। a इज इक्वल टू 2x है, तो मैंने कहा था a को मैं v dv by dx लिखूंगा। यस सर। तो ये हो गया 2x, तो यहाँ से मुझे मिल गया v dv is 2 into x dx। यस सर। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो v x का फंक्शन मिल जाएगा। यस सर। एक और चीज सिखाता हूँ,
अभी तक तो मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट डाल के कर रहा था, तो इसको लिमिट डाल के भी कर सकते हैं, बिना लिमिट के भी कर सकते हैं, जैसे मन वैसे सीख लो। चलो मैं नया कुछ सिखाता हूं। तो बिना लिमिट का अगर करेंगे तो ऐसा लिखेंगे v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2 इनटू x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, ऐसा लिखूंगा मैं? यस सर। सो v स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, ऐसा कुछ लिखूंगा मैं? दिया है x इज इक्वल टू 2 पर v की वैल्यू 3 है, एंड x इज इक्वल टू 2 v इज 3, ऐसा दिया है? तो 9 इज इक्वल टू 4 प्लस k आ गया। यस सर। तो यहां से k की वैल्यू 5 मिल गई। यस सर। मतलब v और x में मेरा पूरा इक्वेशन हो गया ऐसा कि v स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5, मिल गया? यस। मुझे v कब ढूंढना है x इज इक्वल टू 5 पे? 5 पे? हाँ सर। नहीं 5 नहीं है सर, 5 है सर। हाँ, x इज इक्वल टू 5 पर। तो k का वैल्यू पर देखो तो 9, 3 स्क्वायर 9, x 2 स्क्वायर 4, 9, 4, 5, ठीक है। सर वो v 2x स्क्वायर प्लस k होगा ना? क्या? सर, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर था ना? हाँ हाँ हाँ, यहाँ 2 होगा, वो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर 2 होगा, होगा ना? सर क्यों होगा? नहीं सर, नहीं होगा। अरे होगा, चुप कर सुन, मैंने ये 2 हटाया है ना बेटा, देखो ऐसा दोनों को डिवाइड किया। हाँ समझा सर, है ना, सब 2 को हटा दिया तो इधर 2c को k लिख दिया। हाँ समझा। तो k की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। K की वैल्यू 1 हो गई। यस। एक मिनट। हाँ सर। तो इसका मतलब है, रुको, तो इसका मतलब है 9 इज इक्वल टू क्या लिख दिया था, x इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 4 प्लस k, ऐसा, तो k की वैल्यू 1 हो गई। k की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 1 हो गया। यस सर। और मुझे चाहिए x इज इक्वल टू 5 पर चाहिए रूट 51। हाँ, तो x इज इक्वल टू 5 पर v स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 1, तो v हो जाएगा मेरा अंडर रूट 51 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर आया पर दूसरे मेथड। ठीक है, अब देखो इसी को हम बिना ये k का, जैसे पहले करते थे डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू पुट करके, वैसे भी कर सकते हैं। देखो कैसे, वैसे अगर करेंगे तो देखो यहां पर ऐसे लिखेंगे v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू 2 इनटू x स्क्वायर बाय 2, ऐसा? हाँ सर। अच्छा, इसमें मुझे x इज इक्वल टू 2 पर v की वैल्यू 3 दी हुई है। हाँ सर। और x इज इक्वल टू 5 पर v की वैल्यू ढूंढनी है। हाँ सर। तो ये हो गया v स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 2 बाय 2 इनटू 5 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। बोलो होगा सर? हाँ सर।
तो वी स्क्वायर की वैल्यू हो गई 9 + 42 हाँ सर दैट इज 51 तो यहाँ से भी देखोगे यही आंसर आएगा रूट 51 हाँ सर तो यही प्रॉब्लम नहीं बाकी प्रॉब्लम में भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करके अगर सी या के लिखोगे तो जो बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है पिछले पहले भी जो क्वेश्चन दिया था उसको यूज करके हम लोग के की वैल्यू निकाल लेंगे वैसे भी कर सकते हैं नहीं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करेंगे आया समझ में हाँ सर कॉपी कर लीजिए हो गया सर हो गया आगे बढ़ूं तो इसको क्या लिखा था केस वन और केस टू लिख देता हूँ सर एक मिनट सर ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में भी आएंगे क्या नहीं शुरू में जो कराया था वैसे सिंपल सिंपल ला सकते हैं कि इसको डिफरेंशिएट किया तो वी मिल गया ऐसा वाला आगे बढ़ूं यस सर चलिए केस टू व्हेन इससे पहले था एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स अब अगर एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है तो ऐसे समझिए ए एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ है ए को हम डीवी बाई डीटी लिख सकते हैं बोलिए बेटा यस सर तो डीवी अपॉन फंक्शन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू डीटी इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो किसमें किसमें रिलेशन मिलेगा वेलोसिटी टाइम वेरी गुड तो आफ्टर इंटीग्रेशन हम लोगों को वेलोसिटी एज सम फंक्शन ऑफ टाइम मिलेगा यस सर फिर वेलोसिटी को हम ds बाय dt लिख सकते हैं ना यस सर हां सर सो हम ds को लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ टाइम dt यस सर इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों को पोजीशन एज अ सम अदर फंक्शन कुछ भी ऑफ टाइम मिल जाएगा यस सर तो इसके yes, आगे जो भी पूछे सब बता सकते हैं हाँ सर हाँ सर पक्का हाँ सर कॉपी कर लीजिए फिर इससे रिलेटेड इक्वेशन देता हूँ डन सर हो गया चलिए
एक छोटा सा क्वेश्चन कीजिए इसी पे बेस्ड। सर एक ये कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा ये 5 होगा शायद ना। यस सर कोशिश कीजिए। देखो आप लोग के लिए कितना सिस्टमैटिक नोट मैं बनाता हूँ, इतना सिस्टमैटिक नोट कभी लाइफ में अपने लिए नहीं बनाया। थैंक यू सर सच में मतलब जस्ट ये कह रहा हूँ कि अपने लिए सच में मैं कभी ना बनाया, पर जब मैं पढ़ता था तो मेरी नोटबुक दोनों साइड से भरती थी। हर बार सोचता था हर क्लास में कि इस बार पक्का अच्छा नोट बनाऊंगा, लेकिन वही नोटबुक में एक ही नोटबुक में सब सब्जेक्ट इतना खचपच होता था कि कभी सोचा ही नहीं, पर ठीक है काम मेरा चल गया। बट हैविंग अ गुड नोट इज अ गुड हैबिट, कहते हैं ना जो काम नहीं करो लाइफ में वो काम दोबारा करना पड़ता है, तो ये खुद के लिए कभी मैंने आज तक नोट नहीं बनाया, तुम लोगों के लिए लाल पीला काला करता रहता हूँ। बाकी सर लोगों का भी तो नोट्स देखता रहता हूँ, बाकी सर लोग इतना फेंक नहीं मारते हैं, शायद उन लोगों ने अपने पढ़ते वक्त लाइफ में बनाया होगा बढ़िया बढ़िया तो उनका गिवअप हो गया होगा। मैं पहली बार बना रहा हूँ तो बड़ी मेहनत लगा रहा हूँ। सर बट ये हैंडराइटिंग के साथ पढ़ने की भी मजा अलग है। नहीं हैंडराइटिंग तो मेरी अच्छी नहीं है ये मैं मतलब अच्छी है ये नहीं बोलूंगा, हैंडराइटिंग तो फालतू ही है, लेकिन सिस्टमैटिक बना रहा हूँ आजकल मैं देख रहा हूँ। मैं भी पहली बार ये काम कर रहा हूँ ना, हम लोग तो बोर्ड टीचिंग करते थे तो सिस्टमैटिक बना रहा हूँ ये बोल रहा हूँ। हैंडराइटिंग तो मेरी बस गांधी जी जैसी है। तुम लोग ये सब नोट संभाल के रखता है कि नहीं प्रॉपरली रखा है ना सर, सेव करके सबको रखना लाइफ में बाद में कभी याद आएगा। बोलो बेटा सर आप करके दिखाइए। अरे मारूंगा सर ए का तो आ गया बी का। हाँ,
वेलोसिटी टाइम का फंक्शन चाहिए पहले में और वेलोसिटी एक्स का फंक्शन चाहिए दूसरे में। सर एक मिनट कर। और ए इज इक्वल टू वी दिया हुआ है। देखिए इधर ए इज इक्वल टू वी है। फर्स्ट क्वेश्चन में मुझे चाहिए v और t का फंक्शन, तो a को मैं dv by dt लिखूंगा, बोलिए। यस सर। तो dv by v इज इक्वल टू dt ऐसे लिखूंगा। yes. मुझे वेलोसिटी चाहिए t इक्वल टू 2 पर, और t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 1 है दिया हुआ। यस सर। तो इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दोगे या तो डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले मेथड से कर लो या वैसे कर लो, एक ही बात है। तो देखिए t इज इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू कितनी है? 1। t इज इक्वल टू 0 है या 1 देख लो क्या है। t इज इक्वल टू 0, हाँ t इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू 1 है। यस। और t इज इक्वल टू 2 पर v की वैल्यू पूछा है। यस सर। dv बाई v क्या होगा इंटीग्रेशन? ln ऑफ v। ln ऑफ v लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट v। दिस इज इक्वल टू 2t, 2t नहीं 2। अरे डीवी का 2 होगा। यस सर ये 2 होगा। ln 1 0 होता है। यस सर। तो ln v मेरा 2 आ गया, मतलब v की वैल्यू कितनी आ गई? e स्क्वायर। e स्क्वायर यही है सर। आया समझ में? यस सर। पक्के से? तो a हो गया, ये था मेरा a। b में मुझे v और x में चाहिए है ना? यस सर। तो मैं a को dv by dx लिखूंगा इज इक्वल टू v, बोलो। यस सर। ये जो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v दिया है, क्वेश्चन में मुझे v x का फंक्शन चाहिए, तो मैं a को v dv by dx लिख लूंगा। तो यहां से dv इज इक्वल टू dx आ गया। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर दीजिए। x इज इक्वल टू 1 पर v की वैल्यू कितनी है? 1 है। x इज इक्वल टू 3 पर v की वैल्यू पूछा है, तो v माइनस 1 इज 3 माइनस 1, दिख रहा है ऐसा? यस सर 3। तो v इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड आंसर था। नहीं जी होना चाहिए था। यस सर इजी। कोशिश कीजिए, कॉपी कर लीजिए, फिर नेक्स्ट पे आते हैं। सर ए पार्ट का लास्ट स्टेप नहीं समझा सर। क्या v इज इक्वल्स टू e स्क्वायर कैसे आया वो वाला पार्ट? ln v का मतलब क्या होता है? log v टू द बेस e। हाँ सर। तो log v टू द बेस e का वैल्यू 2 है, मतलब v e स्क्वायर है ना? गॉट इट। आगे बढ़ूं? सर एक मिनट।
सर हो गया, हो गया। नेक्स्ट केस टू लिखा था, तो अब लिख दीजिए केस थ्री। तो केस वन में था एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, टू में था एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, अब लिख देते हैं एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। So acceleration as a function of time is given. ठीक है, तो अगर हमारा acceleration एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन को हम डीवी बाई डी टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यस सर। तो डीवी इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टाइम डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो किसमें किसमें रिलेशन मिलेगा? वी एंड टी सर, वेलोसिटी टाइम। वेरी गुड। तो आफ्टर इंटीग्रेशन हम लोगों को मिलेगा वेलोसिटी एज सम अनदर फंक्शन इन टाइम, मिलेगा? यस सर। वेलोसिटी को फिर हम dx by dt लिख सकते हैं, तो dx by dt इज सम फंक्शन ऑफ टाइम, सो dx इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ टाइम dt। इसको अगर दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलेगा? x का t के साथ मिलेगा, x के साथ। हाँ ये सर, x तो का रिलेशन पोजीशन x एज सम फंक्शन ऑफ टाइम, तो आगे जो कुछ भी चाहिए सब कैलकुलेट हो जाएगा। है ना? यस सर। कॉपी कर लीजिए इसको, फिर इससे रिलेटेड इक्वेशन देता हूँ। लिख लिए? यस सर। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल कीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? सिक्स होगा शायद ना? यस सर। कोशिश कीजिए इसको। सर इसमें a को d स्क्वायर x और dt स्क्वायर यूज नहीं कर सकते क्या? a को अगर हम लोग ने dx स्क्वायर और by d स्क्वायर t ऐसा डबल डेरिवेटिव। हाँ तो बट डबल डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करना नहीं आता ना,
इसलिए एक एक करके करेंगे, एक को पहले डीवी बाई डीटी लिखेंगे, फिर डीटी में मिलेगा, फिर v को dx by dt लिखेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे तो x t में मिलेगा। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट एट पर्टिकुलर टाइम ही तो पूछा है, है ना? आगे बढ़े, आया कुछ आंसर? सर 20.5। आंसर दे देता हूँ, थोड़ा सा मतलब ठीक ही क्यों, बट हल्का मिस्टेक है। इनिशियली तो x इज इक्वल टू 1 पर था ना, और आपको x 20.5 मिल रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट 19.5 का हुआ है ना बेटा। बोलो जिसने आंसर बोला था। हाँ सर, तो आंसर 19.5 होगा। सारे कैलकुलेशन आपके सही है, बट ये ध्यान रखना है कि इनिशियली x इज इक्वल टू 1 पर था, और फाइनली t इक्वल टू 3 सेकेंड पर शायद आपको आया x इज इक्वल टू 20.5 मीटर। तो x इज इक्वल टू 1 पर था और 20.5 पर आया, मतलब डिस्प्लेसमेंट 19.5 हुआ। ठीक है, ओके सर। a को हम लिख देंगे dv by dt इज इक्वल टू 2t+1। तो यहां से मुझे मिल गया dv इज इक्वल टू 2t dt + dt। इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे मिलेगा v इज इक्वल टू t² + t + some constant। t इज इक्वल टू 0 पर v की वैल्यू 2 है,
है ना? यस सर। वी जीरो पर वी टू है, मतलब सी की वैल्यू टू है, तो सी का इक्वेशन यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें वी का कंप्लीट रिजल्ट आ गया। तो v इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टू। v को फिर लिख देते हैं dx by dt, तो dx by dt इज टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टू। तो यहां से मुझे मिल गया dx इज टी स्क्वायर dt प्लस टी डी टी प्लस टू डी टी, ऐसा हुआ? बोलो बेटा। यस। इसको दोनों ओर इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स इज इक्वल टू टी क्यूब बाई थ्री प्लस टी स्क्वायर बाई टू प्लस टू टी प्लस सम कांस्टेंट के, ऐसा होगा? यस सर। क्वेश्चन में दिया हुआ है t इक्वल टू जीरो पर x वन है ना? यस सर। तो यहां पर भी वही करेंगे, एट t इज इक्वल टू जीरो x इज वन, तो यहां से k की वैल्यू वन मिल गई। यस सर। मतलब x मुझे मिल गया t क्यूब बाय थ्री प्लस t स्क्वायर बाय टू प्लस टू टी प्लस वन, मिल गया। हम लोगों से कब पूछा है t इज इक्वल टू थ्री पे सर, तो पोजीशन x एट t इक्वल टू थ्री सेकेंड, टी थ्री पुट कर दीजिए, एक्स क्या मिलेगा? 20.5 मीटर मिलेगा। हाँ सर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? और वन टी इक्वल टू जीरो पर था तो 19.5 मीटर, ऐसा होगा? हाँ सर। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। सबको समझ आया? यस सर। सर डिस्प्लेसमेंट का आपने इनिशियल एक्स से माइनस किया ना? हाँ। सर एक्सक्यूज मी सर, एएसपी स्कूल का एग्जाम 9 तारीख को है सर, और दो चैप्टर्स नेमली वर्क पर एनर्जी एंड न्यूटन लॉस ऑफ मोशन नहीं लिया, नहीं हुआ है सर हमें, अब क्या करें आप? कुछ नहीं करना है, मैं बता दूंगा। ओके थैंक यू सर।
लिख लिया सबने? यस सर। हो गया सबका? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, होमवर्क में भेज दूंगा आप लोगों को। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय सर। थैंक यू। सर आपको भेज दीजिए नफेक्शन एंड यूसीएम का नॉर्थ पॉइंट में। ठीक है बाय सर। थैंक यू सर। बाय।